क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये पाई चार्ट गिवन है जिसमें साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री, हिंदी का है 70 डिग्री, इंग्लिश का 55, मराठी का मैथ्स का है 90 डिग्री और एसएस सोशल साइंस का है 65 डिग्री। टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय योर स्टूडेंट्स इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स 540। क्वेश्चन पार्ट 1, इफ़ ए स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स देन इन विच सब्जेक्ट ही गॉट दीज मार्क्स। अगर उसने 105 नंबर लिए किसी सब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट कौन सा है। टोटल मिला के उस बच्चे ने 540 मार्क्स लिए इन सारे सब्जेक्टों में, तो अगर उस बच्चे के टोटल मार्क्स 540 हैं तो सेंट्रल एंगल कितने का होगा पाई चार्ट में, 360 डिग्री का होगा क्योंकि ये सभी मार्क्स का सम है। और अगर किसी बच्चे ने 1 मार्क्स लिया, यूनिटरी मेथड से करेंगे, 540 की जगह मान लो 1 मार्क लिया तो सेंट्रल एंगल भी छोटा बनेगा। छोटे के लिए डिवाइड करते हैं, 360 को हम 540 से डिवाइड कर देंगे। और किसी उसी बच्चे ने फिर 105 मार्क्स लिए, एक से ज़्यादा, अगर 105 मार्क्स लेता है तो सेंट्रल एंगल भी बड़ा होगा, बड़े के लिए मल्टीप्लाई, तो 360 अपॉन 540 इंटू 105 आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। अब इस पाई चार्ट में देखो 70 डिग्री किसका है, 70 डिग्री है हिंदी का, तो आंसर हो जाएगा इन हिंदी ही हैज़ गॉट 105 मार्क्स। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी मोर मार्क्स ऑब्टेंड बाय अ स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी। मैथ्स और हिंदी में उसके मार्क्सों का क्या डिफरेंस है ये हमको बताना है। तो पाई चार्ट में देखो मैथ्स में है 90 डिग्री, ये मार्क्स नहीं है एंड एंगल है। हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना है 70 डिग्री, तो लेकिन हमको बताना है मार्क्स में डिफरेंस मैथ्स और हिंदी में। तो मैथ्स में है 90 और हिंदी में 70, दोनों का माइनस क्या होगा, 90 माइनस 70 20 डिग्री होगा। कितने डिग्री में से, क्योंकि पूरा सर्कल है 360 डिग्री का पूरा सर्कल, तो अपॉन में आएगा 360, लेकिन हमको मार्क्स में डिफरेंस बताना है। तो टोटल मार्क्स हैं उसके 540, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 540, तो 90 माइनस 70 20, 20 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, तो ये आंसर आ जाएगा 30 मार्क्स। थर्ड पार्ट में हमको ये शो करना है कि सोशल साइंस एंड मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा हैं साइंस और हिंदी के मार्क्स, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें हमको मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा बड़ा होगा उसके मार्क्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सेंट्रल एंगल हम एसएस और मैथ्स निकाल लेते हैं। एसएस का सेंट्रल एंगल है 65, मैथ्स का है 90, दोनों को ऐड कर दिया ये आ गया 155 डिग्री। फिर सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी निकालेंगे, 80 प्लस 70 कितना हो गया 150 डिग्री। तो एसएस और मैथ्स का सेंट्रल एंगल 155 है और साइंस और हिंदी का 150 है, तो 155 से ग्रेटर है। तो बिकॉज सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी, तो क्योंकि सेंट्रल एंगल मैथ और एसएस का ज़्यादा है तो मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, देयर फॉर मार्क्स ऑफ एसएस एंड मैथ्स विल बी मोर, हैंस प्रूव्ड एचपी का मतलब हैंस, हमने अपनी बात को प्रूव कर दिया है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। इसमें हमको पाई चार्ट बनाना है। लैंग्वेजेस गिवन है, हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है 40, 12, 9, 7, 4 और टोटल हम कर लेंगे 72 इन सब का टोटल। 72 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें से हिंदी को रीड करने वाले हैं 40, हिंदी लैंग्वेज को समझने वाले हैं 40। तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, पाई चार्ट बनाने के लिए हमको सेंटर बनाना होता है। पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे, हिंदी का फ्रैक्शन क्या होगा, 40 कितने में से आउट ऑफ 72 में से, तो लिख देंगे 40 अपॉन 72 मल्टीप्लाई, अब पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई 360, 72 वन जा 72, 72 फाइव जा होता है 360, 45 जा 200 डिग्री। इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, 12 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, 72 फाइव जा 360, 12 फाइव जा 60 डिग्री।
मराठी का सेंट्रल एंगल लिखेंगे 9/72 मल्टीप्लाई 360, 72 5 जा 360 और 9 5 जा 45 डिग्री। तमिल का 7/72 मल्टीप्लाई 360, 7 5 जा 35 डिग्री। बंगाली का सेंट्रल एंगल 4/72 मल्टीप्लाई 360, 20 डिग्री सेंट्रल एंगल आ गया। अब हिंदी का सेंट्रल एंगल है 200 डिग्री, तो इस 200 डिग्री को हम सर्कल के अंदर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो सर्कल बनाएंगे, वहाँ सेंटर ओ लिखेंगे और ये रेडियस ओ ए ले लेंगे। इस रेडियस को सीधा आगे बढ़ा दो, यहाँ लिख देंगे बी पॉइंट, ये डायामीटर हो गया ए बी। ये तो होता है 180 का, लेकिन हमको 200 का बढ़ाना है। आगे जो है, अब तुम ये जो ओ बी है, ओ बी रेडियस है, इसके ऊपर डी रख दो और ये 20 डिग्री का एंगल और बना दो ये वाला। तो ये ऊपर वाला तो हो गया 180, नीचे 20, तो 180 और 20 क्या हो जाएगा 80 डिग्री। और ये जो ओ बी है, इस लाइन को तुम मिटा दो, तो इस प्रकार से हिंदी का बन जाएगा आपका 200 डिग्री का सेंट्रल एंगल। अभी यहाँ लिख देंगे हम सी, अब ओ सी के ऊपर डी रख देंगे और ये 60 डिग्री का एंगल बना देंगे और यहाँ लिख देंगे इंग्लिश, यहाँ और यहाँ बीच में लिखेंगे 60 डिग्री। और ओ डी के ऊपर अब हम प्रोटेक्टर रखेंगे और ये 45 डिग्री का एंगल बना देंगे। ओ डी के ऊपर डी रखेंगे और ये एंगल ई ओ डी बन गया 45 का, और यहाँ लिख देंगे मराठी। उसके बाद ओ ई पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 35 का एंगल बना देंगे और यहाँ लिख देंगे तमिल, और ये एंगल हो गया 35 डिग्री। और जो बच गया वहाँ लिख देंगे 20 डिग्री और वहाँ बंगाली भी लिख देंगे। तो ये है हमारा पाई चार्ट।